मिलिए इस शैतान लड़की से, इसने क्या किया। दीदी से अभी इसकी लड़ाई हुई है और रो रो के, पूरा रो रो के इमोशन ब्लैकमेल करके उससे, और उसका लैपटॉप ले लिया किट्टू का। वो अब मोबाइल से अपना काम कर रही है। तो ये लड़की वेलकम बैक टू माई चैनल सोनल सिंह सीमार वर्ल्ड। तो होप आप लोग कैसे हैं गाइज, होप यू ऑल आर डूइंग गुड। मैं भी यहाँ पे बहुत अच्छे से हूँ, ठीक से हूँ। तो चलिए आज का ब्लॉग शुरू करते हैं। तो आज हम लोग जा रहे हैं शॉपिंग करने। बहुत दिनों से यार कहीं गए नहीं, शॉपिंग नहीं किया, तो हुआ कि चलो चलते हैं कुछ लेके आते हैं। मतलब कैसा, किट्टू के लिए भी थोड़े टी शर्ट लेने थे और इनके लिए भी लेना था। तो मैं बोली कि चलो आज चलते हैं और लेके आते हैं। तो चलिए देखिए क्या लेके हम आते हैं वहाँ से। और ऑब्वियसली मैं जा रही हूँ, मैं अपने लिए भी लूँगी ही। तो हम लेडीज़ लोग का तो कभी क्या होता है कि जब भी जाओ तो कपड़े ले ही लेते हैं। तो वही है कि ये था कि भाई किट्टू के लिए भी चाहिए था और इनको भी चाहिए था। तो मैंने बोला कि चलो फिर ठीक है, बहुत दिनों से शॉपिंग पे गए भी नहीं और ऐसे भी कोरोना की वजह से कहीं जा नहीं रहे थे, लेकिन अभी क्या है कि केसेस कम आ रहे हैं। तो मैं बोली कि चलो चल चलते हैं, नहीं तो फिर से वापस भाई अब कोरोना है तो कुछ बोल नहीं सकते कि आज क्या है फिर कल क्या हो जाए। तो चलो आज जाके आते हैं। तो भाई आज संडे है तो हमने सोचा कि चलो आज इनकी भी छुट्टी है तो शॉपिंग पे हो आते हैं। तो आप भी चलिए हमारे साथ शॉपिंग करने, चलिए देखते हैं और हम कहाँ जाते हैं। तो चलिए चैनल पे बने रहिए और देखिए हमारी शॉपिंग, हम कहाँ जा रहे हैं शॉपिंग करने। यहाँ पे हम निकल चुके हैं शॉपिंग के लिए और मैं अभी थोड़ा नहा नहा के, मतलब नहा के निकली थी और मेरे बाल भी गीले हैं। वैसे मैं बाल मतलब बांध के ही जाती हूँ कहीं, लेकिन ऐसे गीले हैं बाल तो मैं ऐसे ही खुले बालों में जा रही हूँ। और गर्मी भी बहुत है यार, बारिश तो बिल्कुल हो ही नहीं रही है। देखिए इतना बादल है लेकिन बारिश नहीं हो रही है, एकदम उमस वाली इतनी ज़्यादा गर्मी है कि मतलब पूछे मत। और पता नहीं क्यों बॉम्बे में तो इतनी बारिश होती थी लेकिन इस बार बिल्कुल भी बारिश नहीं है। यहाँ पे अब हम लोग पहुँचने वाले हैं, मुझे लग रहा है हम लोग बिग बाज़ार जा रहे हैं क्योंकि सारी दुकानें, हम लोग जब आ रहे थे तो सारी दुकानें बंद थी। पता नहीं यार नया नया कुछ अपडेट आता है क्या, पता ही नहीं चलता। पहले तो 4 बजे तक दुकानें खुली रहती थी, लेकिन अभी जो जिस मार्केट में मतलब कपड़े वाले शॉप जो है जो रस्ते में रहती हैं वो सब बंद थी। तो शायद कुछ नया अपडेट हुआ रहेगा, लेकिन हम तो आ गए हैं अब बिग बाज़ार। तो देखिए हम यहाँ से क्या लेते हैं। और यहाँ पे हम सीधे कपड़े वाले सेक्शन में जा रहे हैं क्योंकि ग्रॉसरी हमें ख़रीदना नहीं है, ग्रॉसरी हम डीमार्ट से ले लेते हैं। डीमार्ट जस्ट हमारे घर के बाजू में है तो हमें ग्रॉसरी नहीं लेना था। इसके लिए हम नीचे वाले सेक्शन में नहीं रुके, हम ऊपर ही चले गए डायरेक्ट। और ये हम ऊपर जा रहे हैं तो ऊपर जो है वो कपड़े का सेक्शन रहता है। तो यहाँ पर मैं पहुँच चुकी हूँ कपड़े वाले सेक्शन में और अभी देखिए हम क्या क्या ख़रीदते हैं, वो तो आपको नेक्स्ट ब्लॉग में मेरे पता चलेगा कि मैंने क्या क्या शॉपिंग करी है। तो भीड़, मतलब भीड़ है लेकिन बहुत ज़्यादा भीड़ नहीं है, लोग हैं अभी यहाँ पे। तो ये लेडीज़ सेक्शन है और यहाँ पे किट्टू अपने लिए टी शर्ट देख रही है। तो वो कुछ, और यहाँ पे मैं किट्टू के लिए देख रही हूँ तो देखते हैं कौन सा पसंद करते हैं इसमें से, इतने सारे कपड़ों में से। और oh, where have I been? Stupid silence. You've been standing right there all alone, even though it's unspoken so long. I'm only waiting for you, just waiting for you to give it enough. और यहाँ पे ये मुझे बोल रहे हैं कि ये वाला लो अच्छा लगेगा तुम्हारे ऊपर,
तो देखते हैं कि मैं लेती हूँ कि नहीं। मैं वही देख रही हूँ क्योंकि अभी ये लोग ट्राई भी नहीं करने दे रहे, कोरोना की वजह से आप ट्रायल रूम में नहीं जा सकते हैं। तो वही ऐसे लगा के मैं देख रही हूँ कि मेरे ऊपर अच्छा लगेगा कि नहीं लगेगा। तो देखते हैं अभी ये लेती हूँ कि नहीं मैं। और यहाँ पे देखिए लेडीज़ के इतने सारे कपड़े हैं, ये लेडीज़ सेक्शन है। तो ये भी मेरे लिए देख रहे हैं कि कौन सा अच्छा लगेगा, तो वही का। और यहाँ पे मैं आ गई हूँ अभी जेंट्स वाले सेक्शन में, तो मैं सोच रही हूँ कि इनके लिए थोड़ा टी शर्ट देखूँ। तो यहाँ पे वही हम लोग टी शर्ट देख रहे हैं इनके लिए। और प्रियू मेरी गोद में है अभी, प्रियू ऐसे किट्टू के पास, मेरे पास, तो कभी ट्रॉली में तो कभी पापा के पास, ऐसे ऐसे मूव होते रहती है। Been stupid silence, you've been standing right there all along, even though it's been unspoken so long. I'm only waiting. हमारी शॉपिंग हो चुकी है तो अब हम जा रहे हैं घर। और ये देखिए हम बिग बाजार ही आए हैं, तो बस अब ये घर जाने की तैयारी हो रही है हमारी। तो बस अब निकलेंगे घर पे, अभी तो सब बंद है, तो बस डायरेक्ट ऐसे ही घर पे निकल जाएंगे। जाने का रास्ता, और ये मंदिर है। हम लोग सोचे थे मंदिर भी जाएंगे, लेकिन मंदिर भी बंद है। मतलब वो जो नॉर्मल होते हैं, जो हमारे सोसाइटी में रहते हैं, वो मतलब जो हमारे इस इधर का मंदिर है वो भी बंद है यार। मतलब सारा कुछ बंद है, तो बड़ा अजीब सा। नहीं तो कभी कभी ऐसे सैटरडे को हम लोग मंदिर चले जाते थे तो अच्छा लगता था, लेकिन अभी बंद है। मतलब वही है कि बंद है सब। और मैंने उस दिन खीर की रेसिपी नहीं शेयर की थी, तो आज मैं इस वीडियो में खीर की रेसिपी भी शेयर मतलब कर रही हूँ। तो मैं चलिए मेरे साथ, हम लोग जल्दी जल्दी से खीर भी बना लेते हैं। तो आ जाइए आप लोग भी। यहाँ पे मैंने एक कटोरी चावल ले लिया है, ये चावल दो मुट्ठी के बराबर है, और इसको मैंने आधे घंटे भिंगा के रख लिया है। और यहाँ पे मैंने 2 लीटर दूध लिया है। अब मैं इस दूध को हाई फ्लेम पे खौला लूँगी। हाई फ्लेम या स्लो फ्लेम आप किसी पे भी खौला सकते हैं। तो पहले इसको हम बॉईल कर लेंगे दूध को। ये देखिए हमारा दूध बॉईल हो चुका है, और इसमें मैंने चावल डाल दिया है, और अब हम इसको चलाते रहेंगे। तो ये देखिए मेरे दूध में बॉईल आ रहा है, और मैंने इसमें चावल भी डाल दिया है। और दूध को हम फ्रेंड्स लगातार चलाते रहेंगे। अगर स्लो किया है तो बीच बीच में चलाते रहेंगे, अगर हमने फास्ट रखा है तो हमें इसे लगातार चलाते रहना पड़ेगा। तो ये मैं इसे चला रही हूँ, और मैंने अभी गैस का फ्लेम थोड़ा स्लो रखा है। तो खीर मोस्टली आप स्लो फ्लेम पे ही बनाएं, हाई करेंगे तो खीर जल जाती है। तो मैंने यहाँ पे फ्लेम स्लो रखा हुआ है, और ये मेरा हो रहा है दूध। और इसमें डालने के लिए देखिए मैंने क्या क्या लिया है। मैंने ड्राई फ्रूट्स लिए हैं, साथ इलायची लिया है, और केसर लिया है। और इन ड्राई फ्रूट्स और इस इलायची को हम कूट लेंगे, मतलब इसको इसका क्रश कर लेंगे। तो यहाँ पे मैंने इलायची का क्रश कर लिया है, और यहाँ पे मैंने एक कटोरी चीनी ली है। ये परफेक्ट एकदम मेज़र है। अगर आप दो मुट्ठी ले रहे हो और 2 लीटर दूध है, तो ये जो एक कटोरी आप चीनी डाल रहे हो ये बिल्कुल भी बराबर है।
और ये देखिए ये 15 मिनट के बाद मेरा दूध थोड़ा कम हो चुका है। तो ये लगभग हम लोग बॉईल करते करते हमारा दूध 1 लीटर के करीब हो जाता है। हमने 2 लीटर जो दूध लिया है वो हमारा 1 लीटर से भी थोड़ा कम हो जाता है। और ऐसे आप खीर बनाइए, बड़ी अच्छी लगती है खीर ऐसे बना मतलब जब हम बनाते हैं तो। और यहाँ पे मुझे दूध और ये करते हुए मुझे हो गया आधा घंटा, और ये स्लो आंच पे मैं कर रही हूँ। और यहाँ पे मैंने अब चीनी डाल दिया है, अब आधा घंटे के बाद मैंने इसमें चीनी डाल दी है और चीनी को भी हम मिला लेंगे। और इस समय हमें ध्यान देना पड़ेगा कि इस समय बहुत जल्दी जल जाता है हमारा, तो जब हम चीनी डालते हैं तो हमें कंटिन्यू चलाना पड़ता है जो खीर है। तो ये हमने चीनी डाल दिया है और अब मैं इसे चलाते रहूँगी। और इसे अभी हमें और भी बॉईल करना है, थोड़ा और हमें इसे रेड करना है ताकि जो हमारा कलर है वो बहुत अच्छा आता है और खाने में भी बहुत अच्छा लगता है। तो ये देखिए अब मैं इसमें ड्राई फ्रूट्स और अपना केसर और इलायची मैंने डाल दी है जो मैंने लिया था, और ये मेरा खीर बन के रेडी हो गया है। ये मुझे लगभग पौना घंटा, आधे से पौना घंटा लगा है, मतलब लगभग पौना घंटा से थोड़ा कम, लेकिन मतलब पौना घंटा आप पकड़ लीजिए। तो ये देखिए खीर कितनी अच्छी लग रही है और ये 1 लीटर से भी कम हो चुका है। तो यहाँ पे मेरा खीर बनकर रेडी हो गया है और ये देखिए कितना अच्छा लग रहा है खीर। आप इसे किसी भी चीज़ से मतलब किसी भी चीज़ से सजा सकते हैं और आप इसे ऐसे भी खा सकते हैं, जैसा आपको पसंद हो आप वैसा खा सकते हैं इसे। तो देखिए खीर बहुत अच्छी लग रही है, आप भी घर में इसे ज़रूर बनाइए और मेरे साथ अपने कमेंट्स को शेयर करिए। और आज का ब्लॉग मैं यहीं पे ख़त्म करती हूँ। तो कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा कि आपको खीर की रेसिपी कैसे लगी और जो हम शॉपिंग करने गए थे वो ब्लॉग कैसा लगा, तो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा मुझे। और जब आप कमेंट करते हैं ना फ्रेंड्स, तो प्लीज़ एक लाइक भी कर दीजिएगा। तो आप लोग जब लाइक करते हैं ना तो अंदर से बड़ा अच्छा लगता है कि हाँ वीडियो आगे बनाना है, अपलोड करना है। और हम लोग तो अभी नए नए यूट्यूबर्स हैं तो हमें और ज़्यादा मतलब ये होता है कि हाँ कोई अप्रिसिएट कर रहा है तो हमें अच्छा लगता है, तो बस इसलिए। और कोई ना, तो वही है कि बस आप जब कमेंट्स करते हैं तो एक लाइक भी कर दिया करिए चैनल को, और अगर आपको कंटेंट पसंद आता है तो। और आज के लिए बस इतना ही, आज का ब्लॉग मैं यहीं पे ख़त्म करती हूँ। तो स्टे कनेक्टेड, कीप वॉचिंग एंड कीप सब्सक्राइबिंग टू। तो आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू, बाय, हैव अ गुड डे।